हेलो फ्रेंड्स, द सावंत किचन में आपका स्वागत है। मैं दर्शन सावंत और मैं प्रणीता सावंत आज नवरात्रि के 9वें और आखिरी दिन पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए बनाएंगे उपवास का पुलाव और मूंगफली की करी। तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले हम उपवास का पुलाव बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप समा के चावल जो हमने धोके रखे हैं, जरा सी हरी मिर्च, आधा कटा हुआ आलू, स्वाद अनुसार नमक, जरा सा जीरा और यह तेल। मैंने पैन पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, और तेल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा। और ये हरी मिर्च। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे समा के चावल। और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें दुगना पानी डाल के ये चावल पका लेंगे। और आखिर में हम इसमें डालेंगे जरा सा नमक। अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। अब हम इस पुलाव को ढक के धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे और तब तक हम यहाँ पे बना लेंगे मूंगफली की करी। मूंगफली की करी बनाने के लिए हमें चाहिए तेल, स्वाद अनुसार नमक, जरा सी हरी मिर्च, 1 कप मूंगफली का पाउडर, थोड़ा सा जीरा और यह कोकम। अब हम एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। और इसमें डालेंगे जीरा। और ये हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। ये भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है, इसलिए हम इसे ज्यादा देर नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी में डालेगा इसमें तकरीबन 2.5 से 3 कप। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और ये कोकम। और इसे पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये मूंगफली की करी अभी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। उपवास का पुलाव और मूंगफली की करी खाने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए हमारे YouTube पेज पे। थैंक यू।